पर बिहार में चाचा ने घर में अपनी भतीजी को पाकर किया दुष्कर्म। वोट नहीं देने पर महिला को जमकर पीटा। रिक्शा चालक को मिला 1,40,000 रुपए का धोखा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में चाचा ने ही घर में अकेली भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चाचा पर अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस मामले की एक थानाधिकारी की महिला थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई है। पुलिस के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि छोड़ी गांव की आठवीं की छात्रा 15 वर्षीय नाबालिग लड़की शुक्रवार की दोपहर वह घर में अकेली थी। आरोपी कभी गांव में ही रहने वाला था। चाचा घर में पहुंचे तो अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीटा के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी जगह से फरार हो गया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वोट नहीं देने पर महिला को जमकर पीटा। हाल ही में हुई ग्राम पंचायत के चुनाव में 3 महिलाओं ने एक महिला को यह कहकर पीटा कि पैनल को वोट न देकर हराया है। इस तरह की घटना चानक पुलिस स्टेशन के खेड़ में हुई। इस मामले में दीपाली रोंदल चानक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मीरा इंदर, बाला साहिब इंदर, स्वप्निल रोंदल, महेंद्र रोंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 28 फरवरी को ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान क्यों नहीं किया, इसलिए यह कहते हुए हमारा उम्मीदवार गिर गया, इसके चलते गुस्से में उन्होंने दीपाली को जमकर मारा। और इतना ही नहीं, उन्होंने दीपाली को गाली देकर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। ऐसा केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच चालक पुलिस कर रही है। रिक्शा चालक को मिला 1,40,000 रुपए का धोखा। जुड़े जगदीश सुखलाल मालिक आयु 43 बिजनेस शिक्षा चालक प्लॉट नंबर 15 मानिक नगर मार्केट यार्ड क्षेत्र जुड़े इन, इनको एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। उसने कहा कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और उसने रिक्शा चालक से उनके बैंक की डिटेल्स मांगी और बैंक का खाता नंबर और ATM पिन नंबर पूछकर बड़े चालाकी से रिक्शा चालक के बैंक से 1,40,000 रुपए निकाल कर उन्हें बड़ा झटका दिया है। कुछ कामकाज के अवसर पर जब वे बैंक पासबुक भरने गए तो तब उन्हें पता चला कि बैंक खाते में पैसे ही नहीं है, तो वह यह देखकर थक कर रह गए। उन्होंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाकर गुनाह दाखिल किया। आगे की जानकारी पुलिस कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।